मेरा नाम शेख मोहम्मद नसीम अली है और मेरा चैनल मैकेनिकल वर्ल्ड है। तो इसका पहले हम बहुत सारा चीज़ हम बता दिए थे, तो आज हम बताएंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो बताने से पहले हम बोलना चाहते हैं, जो मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो तुम लोग सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के लिए ऐसा एक लोगो रहेगा टॉपिक का नीचे, इसको तुम लोग प्रेस करना, और इसके बाद जो मिलेगा मतलब वो बेल आइकन एक होगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब। इसको प्रेस करने के बाद इसके बाद एक ऑप्शन आएगा बेल आइकन, उसको प्रेस करना, क्योंकि इसके बाद हम जब वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो हम आज स्टार्ट करते हैं फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ये फोर स्ट्रोक होता है क्या। एक सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन है, सिलेंडर पे बहुत सारा पार्ट्स रहता है, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, स्पार्क प्लग, दो वाल्व रहता है, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। स्ट्रोक होता है TDC टू BDC, जो डिस्टेंस पिस्टन कवर करता है उसको हम लोग स्ट्रोक बोलेंगे। तो फोर स्ट्रोक का मतलब पिस्टन 4 बार अप डाउन करेगा, मतलब यहाँ से एक बार आएगा वन स्ट्रोक वन, और उसके बाद यहाँ से जाएगा यहाँ तक टू स्ट्रोक, उसके बाद यहाँ आएगा थ्री थर्ड स्ट्रोक, और लास्ट जो होगा वो होगा फोर्थ स्ट्रोक। मतलब पिस्टन 4 बार अप डाउन करता है, और क्रैंकशाफ्ट का जो मूवमेंट होता है 2 बार घूमता है, और इसके लिए हम लोग को 1 बार पावर मिलता है। तो इसके लिए इसका नाम हो गया फोर स्ट्रोक। और पेट्रोल इंजन क्यों? क्योंकि पेट्रोल इंजन मतलब SI इंजन, मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन पे स्पार्क प्लग रहता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो ये फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पे 4 स्ट्रोक होता है, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पे 4 स्ट्रोक होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। फोर स्ट्रोक इंजन पे 4 स्ट्रोक होता है, पहला जो होता है वो होता है सक्शन, सक्शन होता है। इस टाइम पे क्या होता है ना, पहला जो होता है एक नंबर पहला जो होता है क्या होता है ना, पिस्टन का मूवमेंट होता है TDC टू BDC, पिस्टन पिस्टन मूव्स TDC टू BDC, पिस्टन TDC से BDC तक मूव करता है, और उसके लिए क्या होता है एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व ओपन होता है, और इसके लिए क्या होता है यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और इस टाइम पे क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन होता है, क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स, क्रैंक शाफ्ट रोटेट्स 180 डिग्री। वैक्यूम जब क्रिएट होता है तब उस टाइम पे इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, और यहाँ से हम लोग का क्या आता है, एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर से आता है। पेट्रोल इंजन पे कार्बोरेटर रहता है, जहाँ पर हम लोग का काम होता है एयर और फ्यूल फ्यूल को मिक्सअप करना, और जब वैक्यूम क्रिएट होता है तब इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, और यहाँ पर क्या आता है सिलेंडर का अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सचर कम्स टू द सिलेंडर थ्रू थ्रू द इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व पे ओपन हो जाता है, और एयर फ्यूल मिक्सचर इसका अंदर आता है सिलेंडर का अंदर। तो इस टाइम पे क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, ये ओपन होता है, और ये एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड रहता है। ये हो गया हम लोग का सक्शन स्ट्रोक। इसके बाद हम बताएंगे कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है। सेकेंड स्ट्रोक हम लोग का क्या है, सेकेंड स्ट्रोक का नाम है कंप्रेशन, कंप्रेशन, ये है कंप्रेशन का डायग्राम। तो सेकेंड स्ट्रोक हम लोग का क्या है, कंप्रेशन, कंप्रेशन है, और इस टाइम पे दो वाल्व भी क्लोज रहता है,
वाल्व क्लोज रहता है, दो वाल्व भी क्लोज रहता है। और इस टाइम पे क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में हम लोग का दो वाल्व भी क्लोज रहता है और बोथ वाल्व आर क्लोज्ड, बोथ वाल्व्स आर क्लोज्ड। और उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग का साक्सल स्ट्रोक में जो मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर आया था उस टाइम पे दो वाल्व क्लोज रहता है। और पिस्टन का मूवमेंट क्या होता है, पिस्टन मूव्स BDC टू TDC, पिस्टन मूव करता है BDC से TDC पे जाता है पिस्टन। और यहाँ पर हम लोग का क्या है, हम लोग का एयर फ्यूल मिक्सचर है, ये हम लोग का एयर फ्यूल मिक्सचर। एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होता है, इस टाइम पे एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होता है और एक टेम्परेचर राइज होता है, एक टेम्परेचर राइज होता है इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या होता है, कंप्रेस द एयर फ्यूल, कंप्रेस द एयर फ्यूल मिक्सचर, कंप्रेस द एयर फ्यूल मिक्सचर एंड एंड क्या होता है, जो स्पार्क प्लग होता है उस टाइम पे, सिर्फ स्पार्क प्लग क्या करता है ना, स्पार्क करता है, ओनली स्पार्क, स्पार्क प्लग उस टाइम पे फ्यूल पे स्पार्क कर देता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में स्पार्क करता है। एंड स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क द फ्यूल, स्पार्क द फ्यूल, स्पार्क ऑन द फ्यूल, स्पार्क ऑन द फ्यूल। और क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन क्या होता है ना, क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स। साक्सन स्ट्रोक में हम लोग का कितना था, 180 एक स्ट्रोक के लिए, और कंप्रेशन स्ट्रोक में और एक स्ट्रोक हो गया तो 180, तो 360 में क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स होता है। और एक बार बता रहे हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में दो वाल्व भी क्लोज रहता है और पिस्टन का मूवमेंट BDC से TDC तक होता है। और साक्सन स्ट्रोक में जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर आया था वो कंप्रेस होता है, जब टेम्परेचर राइज हो जाता है उस टाइम पे क्या करता है, स्पार्क प्लग स्पार्क कर देता है फ्यूल का ऊपर और फ्यूल बर्न होता है इस टाइम पे। तो ये हो गया हम लोग का कंप्रेशन स्ट्रोक। नेक्स्ट हम बताएंगे पावर स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक हम लोग का क्या है, थर्ड स्ट्रोक का नाम है पावर स्ट्रोक। इस पावर स्ट्रोक को और एक हम लोग नाम से बोल सकते हैं, वो है एक्सपांशन स्ट्रोक। इस टाइम पे क्या होता है ना, इस टाइम पे बोथ वाल्व बंद रहता है और पिस्टन का जो मूवमेंट है उस टाइम पे, पिस्टन का मूवमेंट है कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हुआ था, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन यहाँ तक था और उसके बाद जब यहाँ पर स्पार्क हो गया पिस्टन का ऊपर, जब थ्रस्ट जेनरेट होगा तब उस टाइम पे फ्यूल बर्न हुआ है, उसलिए पिस्टन का मूवमेंट TDC टू BDC होगा, पिस्टन का मूवमेंट TDC टू BDC होगा। और यहाँ पर हम लोग का बर्न गैसेस क्रिएट होगा क्योंकि फ्यूल बर्न हो गया है कंप्रेशन स्ट्रोक में। और पावर स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन का ऊपर जो थ्रस्ट जनरेट हुआ है उसलिए पिस्टन का मूवमेंट होगा TDC से BDC तक। और यहाँ पर एग्जॉस्ट गैस, ये हम लोग का एग्जॉस्ट गैस। तो हम लोग बोल सकते हैं पावर स्ट्रोक में हम लोग का क्या होता है, बोथ वाल्व आर क्लोज्ड। सेकंड क्या होता है, पिस्टन मूव्स TDC टू BDC। और क्या होता है ना, पिस्टन का अंदर बर्न गैसेस फुलफिल हो जाता है, बर्न गैसेस आर फुलफिल
the engine cylinder, और क्या होता है क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स, क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स पहले कितना था 360 कंप्रेशन स्ट्रोक में प्लस 180, एक स्ट्रोक के लिए 180 पे क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है, तो पावर स्ट्रोक में टोटल कितना होगा 440 डिग्री पे क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा। तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी तक था और उस टाइम पे एयर फ्यूल मिक्सचर यहां पर कंप्रेस हुआ था और टेम्परेचर राइज हुआ था, इसलिए स्पार्क प्लग क्या किया था यहां पर जस्ट स्पार्क कर दिया था। और पावर स्ट्रोक में क्या होगा फ्यूल बर्न हो गया है इसलिए यहां पर क्या होगा मतलब हम लोग का जो बर्न गैसेस है उसके लिए एक थ्रस्ट जनरेट होगा पिस्टन हेड में, तो पिस्टन का मूवमेंट पावर स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी तक आएगा और इस टाइम पे बोथ वाल्व क्लोज्ड रहता है। और क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन कितना होता है ना कंप्रेशन स्ट्रोक में 360 डिग्री था यहाँ पर हम लोग का, और पावर स्ट्रोक में और एक स्ट्रोक ऐड हुआ है 180 डिग्री, और टोटल कितना हो गया क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा पावर स्ट्रोक में 440 डिग्री। तो इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्ट्रोक है लास्ट स्ट्रोक एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक अभी हम समझा दिए हैं और लास्ट स्ट्रोक अभी जो हम समझाएंगे वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रोक क्या है ना लास्ट स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक एग्जॉस्ट पावर स्ट्रोक में क्या हुआ था ना पावर स्ट्रोक में हम लोग का स्पार्क प्लग कंप्रेशन स्ट्रोक में जो स्पार्क किया था तो इसलिए पावर स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो गया है हुआ था और टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन आया था और उसका अंदर हम लोग का बर्न गैसेस फुलफिल था। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे क्या होगा ना पिस्टन का मूवमेंट होगा बीडीसी से टीडीसी तक और इस टाइम पे इनलेट वाल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और उसलिए क्या होता है पिस्टन का अंदर जो बर्न गैसेस जमा था जो बर्न गैसेस वो बर्न गैसेस इस वाल्व से बाहर चला जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। और क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन कितना होगा ना क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है पावर स्ट्रोक में, क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन था 540 डिग्री और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में और एक स्ट्रोक ऐड होगा क्योंकि पावर स्ट्रोक के लिए 180, तो टोटल क्रैंकशाफ्ट कितना पे रोटेट करेगा ना 720 डिग्री पे। तो हम लोग लिख सकते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बोथ वाल्व आर क्लोज्ड, इनलेट वाल्व क्लोज रहता है, इनलेट वाल्व क्लोज्ड एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन और क्या होता है पिस्टन मूव्स बीडीसी टू टीडीसी, बर्न गैसेस पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक मूव करता है और बर्न गैसेस क्या होता है एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाता है, तो बर्न गैसेस एस्केप थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व। और क्या होता है क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स पावर स्ट्रोक में हम लोग का 540 डिग्री था और इस स्ट्रोक में 180 डिग्री ऐड होगा, टोटल कितना होगा 720 डिग्री पे क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा ना एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट होगा बीडीसी से टीडीसी तक और इस टाइम पे इनलेट वाल्व बंद रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। और पावर स्ट्रोक में जो बर्न गैसेस हम लोग का जमा था सिलेंडर का अंदर पिस्टन हेड का ऊपर, तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने के लिए हो गया है, तो इसलिए क्या होता है पिस्टन जो हेड होता है वो एग्जॉस्ट गैस को क्या करता है एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल देता है, तो इसलिए हम लोग का ऐसा ही हम लोग का फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन काम करता है। इस पे क्या होता है ना मतलब क्रैंकशाफ्ट दो बार फुल रेवोल्यूशन करता है और उसलिए हम लोग वन पावर हम लोग को एक बारी पावर मिलता है,
तो पेट्रोल इंजन पे मेनली हम लोग का स्पार्क प्लग रहता है, और एयर फ्यूल मिक्सचर हम लोग का कार्बोरेटर पे बनता है और इनलेट वाल्व से अंदर आता है। ऐसा ही हम लोग का फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन काम करता है। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर इसके बाद अगर आप लोग का कोई भी वीडियो अगर ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। ऐसा ही हम वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।